अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक, हम भी ठीक हैं। और अभी हम नाश्ता करने जा रहे हैं, नाश्ता तैयार हो गया और नाश्ता करेंगे। नाश्ता करके हम अपने काम पे जाएंगे और वहाँ पे जाके इंशाल्लाह आपसे फिर बात करेंगे। और अब ये नाश्ता बन चुका है, हम नाश्ता कर रहे हैं और ये सुल्तान बैठा हुआ है, ये नाश्ता कर रहा है और इंशाल्लाह नाश्ता करके हम अपने काम पे जाएंगे। हाय दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं और जा रहे हैं काम के लिए। ऊपर रास्ते में शूट नहीं कर सका था, बहुत हवा थी ना, इसलिए तो हम पहुंच चुके हैं कारखाने काम के लिए। ये हमारा होटल है जहाँ पे हम खाना खाते हैं। हाँ, ये देखो, ये हमारा उस्ताद बैठा हुआ है। क्या हाल है? एक अलहमदुल्ला। अभी हमने खाना खा लिया है और अब हम जा रहे हैं अपने काम पे, तो वहाँ पे जाके अपना काम करेंगे जो करते हैं, तो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर। ये हमारे सेठ का शोरूम है जहाँ पे हम काम करते हैं, जिसके पास। और ये लकड़ी पड़ी हुई है और हम अपने अपने कारखाने में जा रहे हैं। ऊपर जाके हम काम करेंगे। ये हमारा कारखाना है, आज हम आपको दिखाते हैं सब। ये दो बंदे यहाँ पे काम करते हैं और एक यहाँ पे करता है काम। ये देखें, और एक यहाँ पे काम करता है। ये जो हैं ये चले गए पंजाब। यहाँ पे जो काम करता है ये मेरा कज़न है और वहाँ पे जो करते हैं वो इसके भतीजे हैं। पंजाब गए हैं, इनकी शादी है पंजाब, तो ये एक हफ़्ते के लिए गए हैं। एक हफ़्ते के बाद ये आ जाएंगे फिर। और ये यहाँ पे हम काम करते हैं, ये देखें, ये हमने बेड बनाया हुआ है। अभी हमने छुट्टी की है, हमारा काम ख़त्म हो गया। सुबह जो आपको हमने बेड दिखाया था, ये देखें आप, ये बेड बनाया हुआ है, ये हैं अलमारियाँ, अलमारी अलमारी में कुछ काम बाकी है, इसमें ताले लगेंगे। और ये डिवाइडर खड़ा हुआ है, इसका भी थोड़ा काम बाकी है, इसको सुबह कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो ये सुल्तान के लिए पिंजरा बनाया हुआ है, सुल्तान तंग कर रहा था, बोल रहा था मैंने चूज़े रखे हुए हैं, वो बाहर घूमते हैं, तंग करते हैं, तो उनके लिए ना एक पिंजरा बना के दो। ये आसम पिंजरा बना रहा है, थोड़ा साइड, ये देखें आप, ये हमने पिंजरा बना लिया है। अब इसको हम लेके जाएंगे उधर सुल्तान के घर, सुल्तान को देंगे और पिंजरा दे के फिर हम पेट्रोल पंप पे पहुंच गए हैं। तो ये आसम पेट्रोल डलवा रहा है, पेट्रोल डलवा के हम फिर जाएंगे। अब हम पहुंच चुके हैं और आसिम पिंजरा लेके जा रहे हैं सुल्तान का। और आप लोगों ने जो सवाल पूछे हैं
मैंने सोचा चलो उनके जवाब दे दें। आप लोगों ने हमसे पूछा कि क्या आप कौसर के भाई हो? हाँ हम भाई हैं। क्या हम आपसे झूठ बोल सकते हैं क्या, या कोई गलत को कह सकता है कि भाई ये मेरी बहन है या नहीं है? ये हमारी बहन है और हम वाजे करके बोल रहे हैं कि ये हमारी बहन है। आप लोग पूछ रहे हैं ना भाई ये सच क्या है झूठ क्या है, तो इंशाल्लाह हम ये बताएंगे आपको कि सच क्या है और झूठ क्या है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो हमें बदनाम कर रहे हैं और हमें हमारी बहन को भी बुरा भला कह रहे हैं, और हम उनको भी इंशाल्लाह जवाब देंगे और आपके साथ भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे बात, तो आप भी हमारे साथ देंगे इंशाल्लाह। जो लोग गलत गलत बातें लोगों को बता रहे हैं हमारे बारे में, ये ऐसे हैं, ये गरीब हैं, इनके पास कुछ नहीं है, मैंने बहुत लोगों की वीडियो देखी है और उनको भी मैं यही कह रहा हूँ कि अल्लाह पाक हर किसी को बहुत दे और हमें भी जो जितना भी दे रहा है हमें बस उस पर भी हम खुश हैं। लोगों की बातों पे आप तवज्जो नहीं दें और गौर नहीं करें, इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि सच क्या है और झूठ क्या है, तो आप मेहरबानी करके किसी को बुरा भला नहीं कहें। अब आपने एक तरफ की बातें सुन ली हैं, तो हम आपको जब सच्चाई बताएंगे तो आपको यकीन होगा, तो आप मेहरबानी करें किसी की बात पे आप यकीन नहीं करें, तो इंशाल्लाह हम आपको बहुत जल्द ही बताएंगे कि ये सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। अब सब कुछ सच्चाई जानने के बाद फिर खुद फैसला कीजिएगा कि झूठा कौन है और सच्चा कौन है, ये आप लोगों के ऊपर होगा, जो फैसला आप देंगे उस पर हमें होगा। आज का व्लॉग इतना था और मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।